मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा उस काम में लगा। जब जब भारत को पापियों ने नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तब भारत माँ की गोद ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही एक सपूत का जन्म 30 नवंबर 1967 गुरुवार रात के लगभग 12:30 बजे भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता राधेश्याम दीक्षित के सुपुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राजीव दीक्षित रखा गया। उनके परिवार में उनके पिताजी पूर्व BDO ऑफिसर रहे हैं। राजीव जी के छोटे भाई का नाम प्रदीप दीक्षित है और बहन का नाम लता शर्मा। राजीव जी के दादा और दादी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था। राजीव दीक्षित जी का बचपन उनके गांव में गुजरा और उनकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक की शिक्षा फिरोजाबाद के PD जैन इंटर कॉलेज में पूरी हुई। राजीव जी बचपन से ही मातृभूमि के प्रेमी थे। इसके साथ साथ वह क्रांतिकारियों से बड़े प्रेरित थे। उनके अंदर क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने की आकांक्षा थी। तो आइए नाह गांव का वर्णन हम राजीव जी के मुख से सुने। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया नाह, मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में। मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी तक नहीं। मेरे गांव आप कल्पना कर सकते हैं, और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता, गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। अपनी उच्च माध्यमिक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद गए। वहां उन्होंने 1984 में अपनी BTEC की पढ़ाई इलाहाबाद के JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में शुरू की थी। वे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तभी उन दिनों राजीव जी का भोपाल गैस हत्याकांड से पीड़ित कुछ लोगों से मिलना हुआ। उनकी पीड़ा देखकर और उन्हें न्याय दिलाने हेतु वे यूनियन कार्बाइड कंपनी को देश से भगाने के लिए कार्य करने लगे। इसी दौरान उनकी BTEC की पढ़ाई अधूरी छूट गई। इसी बीच राजीव जी फ्रांस गए। अपने रिसर्च के संबंध में वे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए। वहां उन्हें अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया। अचानक एक डच वैज्ञानिक ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है। राजीव जी ने उत्तर दिया हिंदी। वैज्ञानिक ने वापस प्रश्न पूछा कि आपको अपना रिसर्च पेपर हिंदी में पढ़ना चाहिए। तब राजीव जी के पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि उन्होंने कोई भी रिसर्च पेपर की तैयारी हिंदी में नहीं की थी। यह घटना आप राजीव जी के मुख से सुने। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम हॉलैंड, तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारी समझने की चिंता क्यों करते। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा। तो मैं चुप हो गया क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था, और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था, एक जापानी साइंटिस्ट आया था उसने जापानीज में पढ़ा था, रूस का एक साइंटिस्ट था उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सब के सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा। उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं क्योंकि आप गुलाम हैं, लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए। ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है।
और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर काम जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? हाँ बिल्कुल होती। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज में उपलब्ध है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं। तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। भारत लौटने के पश्चात राजीव दीक्षित जी ने यह फैसला किया कि विदेशी कंपनियों के हो रहे अत्याचार और भयंकर लूट से देश को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तब उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आजादी बचाओ आंदोलन का आविर्भाव सन 1991 में किया। आजादी बचाओ आंदोलन के आविर्भाव की बातें राजीव दीक्षित जी के मुख से सुने। अपने देश की परिस्थिति जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का परिचय आप सबको है। ये आजादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमरीकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया उसको भारत से भगाना, क्योंकि जिस अमरीकी कंपनी ने ये दुर्घटना की थी उस अमरीकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमरीकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमरीकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। बाद में यूनियन कार्बाइड जैसी ही एक और अमरीकी कंपनी को हमने भगाया था। उस अमरीकी कंपनी का नाम था कारगिल। एक तीसरी अमरीकी कंपनी को भगाया था भारत से, उसका नाम था ड्यूपॉन्ट। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी, उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन 4 करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है, तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को वहां एक अमरीकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें 4 करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके तो वो हमें मंजूर नहीं था, हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था। तो ऐसी कई कई अमरीकी कंपनियों को भारत से भगाने का एक अभियान, इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। राजीव दीक्षित जी और उनके साथियों ने यूनियन कार्बाइड, ड्यूपॉन्ट, कारगिल आदि अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत से भगाया। सन 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और रैलियां निकाली।
यह डंकल प्रस्ताव भारत के लिए घातक होने वाला था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पश्चात अनेक विदेशी कंपनियों को भारत को लूटने की खुली छूट मिल जाती। फिर जब आर्थर डंकल, जो गेट करार का प्रमुख था, गेट करार पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भारत आया, तब राजीव जी और उनके आजादी बचाव आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने आर्थर डंकल को दिल्ली हवाई अड्डे में पीटा था, जिनके लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। आगे की कहानी आप उनके मुख से सुने। मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ। जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया। हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी। मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं, लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था, और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहाँ घुसने का नहीं दिल्ली में। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भारत सरकार का मेहमान था। हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी, तो जेल तो होनी थी, तो हम जेल गए। जब मैं जेल में पहुंचा तो उस समय सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी। वो सुपरिंटेंडेंट थी वहां की, किरण बेदी। तो जब हम गए तो वो सब नाम नोट शुरू हुआ, जैसे मैनुअल्स में लिखा हुआ ना कि नाम कैदी का, बाप का, उम्र वगैरह सब। फिर ये कहा उन्होंने कि आप अपने कपड़े उतारो। एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा कपड़े उतारो। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा आपका बॉडी मार्क चेक करना। तो मैंने कहा बॉडी मार्क आप चेक करोगे, मैं बता देता हूँ, कपड़े क्यों उतरवाते हो मेरे? तो उसने कहा रूल है ये। मैंने कहा भाई बड़ा विचित्र है, तुम पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ मेरे बॉडी मार्क क्या है। मैं बताता हूँ कि मेरी दाहिनी टांग पर तिल है, कि मेरे पैर में तिल है, कि मेरे कान के पीछे है, या मेरी आंख के पीछे, मैं बताता हूँ, तुम लिखो इसमें। उसने कहा नहीं साहब, आप बताओ जरूर, लेकिन मैं आपके कपड़े उतरवाऊंगा और इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कपड़े उतारे, चेक किया, तब वहां वहां मुझे उनका बॉडी मार्क मिला। तो मैंने कहा मैं नहीं उतारूं तो उसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी आपको भी मुझे भी। तो मैंने कहा मैं यहाँ आमरण अनशन पे बैठ जाऊं तो उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा ये मेरा जो भारत देश में आजादी के बाद संविधान लागू होने के अंतर से मुझे जो मौलिक अधिकार मिला है वो आप अनहन कर रहे हैं उसका। तो उसने कहा भाई मौलिक अधिकार आप अपने बाजू में रखो, मुझे बॉडी मार्क चेक करना। तो फिर मेरी जब मुलाकात हुई किरण बेदी से, तो मैंने उनको पूछा ये बॉडी मार्क क्यों चेक करते हैं? तो उन्होंने कहा वो 1860 में कानून बना था, अंग्रेजों ने तय किया था, तो तब से चला आ रहा बॉडी मार्क। तो मैंने कहा मुझे वो मैनुअल पढ़ना। तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप यहाँ आके, यही तो खुराफात करोगे, शांति से तो रहने नहीं दोगे। मैंने कहा आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया, अब आप मेरे जैसे आदमी को यहाँ रखेंगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे रिहा कर दो आप। तो उन्होंने कहा वो तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा मैनुअल्स मुझे देख लो, 1860 में अंग्रेजों ने तय किया तो क्यों तय किया। तो उसने बड़ी मेहनत की बेचारी ने, फिर वो लेके आई मैनुअल्स अगले दिन सवेरे। वो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का कोई भी कैदी अंग्रेजी अधिकारी के लिए कैदी से ज्यादा गुलाम है और उसका अपमान होना ही चाहिए, इसलिए आपको कपड़े उतरवाने पड़ेंगे, बॉडी मार्क चेक करना कम महत्व की बात थी, आपका अपमान करना है वो महत्व की बात है। तो अंग्रेज अपमान करते थे हमारा क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, तो गुलामों का अपमान कदम कदम होना ही चाहिए, ये अंग्रेज मानते थे, नहीं तो गुलाम भड़क जाएगा। अंग्रेजों की थ्योरी थी कि जिनको आप गुलाम बनाते हैं हर कदम उनका अपमान करना आपका धर्म है, नहीं तो वो गुलाम आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो हर कदम उन्हें हमारा अपमान करना था, इसलिए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करने का कानून बनाया और हमारी ये मूर्ख सरकारें 54 साल में उस कानून को बदल नहीं पाई आज तक, वो आज भी है कानून। कोका कोला और पेप्सी जैसी हानिकारक पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्रवाई भी की। सन 1991 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया विल्सन कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में गोलियां भी चलाई गई जो कि उनके पास खड़े साथी को लग गई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गाँव वासियों को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि अंत में उन्हीं की जीत। सन 1995 में राजीव जी ने उत्तराखंड में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया, जहां भयंकर लाठी चार्ज में काफी चोटें आई। टिहरी पुलिस ने तो राजीव जी को मारने की योजना भी बना ली। घायल होने के बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा, परंतु अंत में भारत सरकार ने बलपूर्वक बांध बनवाया। यह बांध 2006 में बना।
सन 1997 में राजीव जी के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनका मिलना प्रख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी से सेवाग्राम वर्धा में हुआ। धर्मपाल जी यूरोप में काफी वर्ष अध्यापक रहे हैं। उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेजों के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करके देश को जागृत करने का काम किया और ऐसे दस्तावेज लोगों के सामने रखे जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि यह सारे दस्तावेज धर्मपाल जी ने इंग्लैंड की लाइब्रेरी से काफी मेहनत के साथ इकट्ठे किए थे। राजीव जी ने भारत में घूम घूम कर भारत का गौरवशाली और ऐसा सच्चा इतिहास लोगों को बताया जो पहले किसी को पता ना था। इस घटना और दस्तावेजों का वर्णन आप राजीव जी से सुने। इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए, मेरे देश में। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी, साइंस क्या थी, उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन। तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल, उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, 1820 का एक पेपर है मेरे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पेपर क्या है, हमारे देश में एक विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए। तो वो भारत का सर्वे करने आया और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहाँ के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है, उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए, उसका अंदाजा उनको करना। तो विलियम एडम आया और 1820 से उसने यहां सर्वे करना शुरू किया। तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ 1017 पन्ने की है, वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए। तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है, विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता। और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क, विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है। तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो, हथियार बनाने हो, स्टील का उपयोग करना हो तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए। तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी। तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखें कहां स्टील बन रहा है भारत में, क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की। तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया मध्य प्रदेश में, एक जगह है उसका नाम है सरगुजा, तो सरगुजा ले गया और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे 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 10,000 कारखाने, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रहे। और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं। तो वहां के लोग जब गए हैं, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए। और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में, तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट में उसका स्टेटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में, तो अप्रोक्सीमेट 20-30 लाख टन। तो वो जो रिपोर्ट मिली है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी, समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी। और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इंप्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते, ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके लाते। राजीव जी कहते थे कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने और अत्याचार करने के लिए बनाया था और तथाकथित आजादी के बाद भी भारत सरकार वही अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी चला रही है और यही कारण है कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी और भुखमरी जैसी समस्याएं हैं। और उनका कहना था
कि 15 अगस्त 1947 में सिर्फ कानून के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, स्वतंत्रता नहीं आई थी। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने बनाए हुए तंत्र और व्यवस्था में जीना। लेकिन 1947 के बाद एक भी ऐसा तंत्र नहीं बना जो अपना हो। वे कहते थे, अंग्रेजों ने इंग्लैंड के संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नामक कानून बनाकर अपने शर्तों पर काले अंग्रेजों को देश सौंपा था। इसी कानून में लिखा गया था कि भारत इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट होगा। राजीव जी के अनुसार टैक्स को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। राजीव जी कहते थे, टैक्स के रूप में सरकार जो पैसे इकट्ठा करती है उसमें से अधिकतर भ्रष्टाचार और सरकार के अधिकारियों को वेतन देने में ही चला जाता है, और थोड़ा बहुत जो भी विकास होता है वो बाहर के देशों या विश्व बैंक से कर्ज लेकर होता है। राजीव दीक्षित जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्विस और अन्य बैंकों में भारत के जमा काले धन को भारत की संपत्ति घोषित कर भारत में लाया जाए और उस जमा काले धन को भारत के विकास में लगाया जाए, ऐसा कहना था। राजीव जी कहते थे कि नेपाल जैसे देश ने स्विस बैंक में जमा काले धन को उनके देश की संपत्ति घोषित कर 5 अबज डॉलर मंगा चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, फिलीपींस, ज़ेरे, पाकिस्तान जैसे देशों ने विदेशों में जमा काले धन को अपनी देश की संपत्ति घोषित कर पैसे ला चुके हैं। इसी दौरान राजीव जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। 1 करोड़ हस्ताक्षर लेकर संसद में काले धन को भारत की संपत्ति घोषित करने का कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहते थे। वे 60 लाख से अधिक हस्ताक्षर लेने में सफल भी हुए थे, और उनका कहना था कि यदि भारत सरकार इस कानून को पास नहीं करती है तो वे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अर्थात PIL दायर करना चाहते थे। राजीव जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉरिसस रूट बंद होनी चाहिए इसके लिए अभियान चलाया, और वर्ष 2002 में राजीव जी ने आजादी बचाओ आंदोलन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका अर्थात PIL दायर, और कहा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट जैसे लूट के कानून खत्म होने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ सुनाया और जिनमें उनकी जीत हुई, परंतु वर्ष 2003 में यूनियन ऑफ इंडिया ने इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ठुकराते हुए आजादी बचाओ आंदोलन के सारे विषय को खारिज कर दिया, यह जानते हुए कि डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के द्वारा नागरिकों को लूटा जा रहा था और यह डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले से पता चलता है कि राजीव जी क्यों कहा करते थे कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। राजीव जी की लोकप्रियता देखकर आजादी बचाओ आंदोलन के अपने ही साथी राजीव जी से ईर्ष्या करने लगे और उनके ऊपर बेतुके आरोप लगाने लगे। तब राजीव जी कहते थे कि यदि मैं गलत हूं तो लोग स्वयं इसका निर्णय लेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि राजीव जी अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करते हुए लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय हो गए, और उनके ऊपर आरोप लगाने वालों की हालत खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई थी। और जब राजीव जी स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़े तो आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ईर्ष्या के कारण फिर से राजीव जी पर कीचड़ उछालने की चेष्टा की और कहने लगे कि राजीव जी ने आंदोलन के पैसे अपने व्यक्तिगत जीवन और घर बनाने के लिए किया। जवाब में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने पूरे तथ्य और प्रमाण देकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। कुछ आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने राजीव जी को जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। राजीव जी का कहना था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का षड्यंत्र चलाकर भारत को लूटा जा रहा है। राजीव जी ने FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GM फूड और BT कॉटन का भी खूब जोर से विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत सरकार और तथाकथित बुद्धिजीवी कृषि पर ध्यान नहीं देते, और यही कारण है कि किसान की हालत अत्यंत खराब है और अधिकतर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सन 1999 से राजीव जी के व्याख्यानों ने देशभक्तों के बीच जागरूकता पैदा की और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। सन 1999 में राजीव जी व्याख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव से मिले। राजीव जी ने रामदेव के योग प्राणायाम को अनेक सराहा और उनके संपर्क में रहते थे। राजीव दीक्षित और स्वामी रामदेव के बीच हुए अनेकों चिंतन के बाद उन्होंने देश को स्वावलंबी, स्वदेशी और अंग्रेजों के कानून को हटाने के लिए योजना बनाई, और अनेक योजना के बाद 9 जनवरी सन 2009 में स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित ने मिलकर
भारत स्वाभिमान नामक एक संगठन का निर्माण किया। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान में राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित के कंधों पर दिया। राजीव जी ने इसी दौरान सारी राजनीतिक दांवपेच स्वामी रामदेव को बताई। राजीव जी के व्याख्यानों को सुनकर स्वामी रामदेव जी इतने प्रभावित हुए कि स्वामी रामदेव जी ने राजीव दीक्षित जी के अनेकों व्याख्यान पतंजलि योगपीठ में करवाए। 1 अप्रैल सन 2009 में भारत स्वाभिमान का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया। उद्घाटन समारोह में स्वामी रामदेव जी ने अन्य भारत स्वाभिमान के सदस्य जैसे वेद प्रताप वैदिक, देवेंद्र शर्मा, जे एस राजपूत, अजय गोयल उपस्थित थे और भारत स्वाभिमान उद्घाटन समारोह में पहली बार राजीव जी ने सीधा प्रसारण किया और पूरे भारत के सामने केवल 20 मिनटों में ऐसी जानकारियां भरी व्याख्यान दी कि सारे भारत से प्रेम करने वाले राजीव जी के चाहने वाले बन गए। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए, फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, हजारों हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी पाव रोटी बेचने के लिए, अंडर बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही है। आइए हमारे यहां जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे, हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। इसके बाद राजीव जी ने स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में अनेकों व्याख्यान दिया और लोगों को तथ्य के साथ देश में हो रहे भ्रष्टाचार और लूट का सच बताया। राजीव जी ने एक अमेरिकन कंपनी ITC के बारे में बताया कि कैसे यह कंपनी सिगरेट बनाने के लिए एक वर्ष में 14 लाख पेड़ काट डालती है और सरकार ने इसे खुली छूट दे रखी है। इसके साथ ही साथ राजीव जी अन्य महत्वपूर्ण कानून जैसे राइट टू रिकॉल अर्थात वापस बुलाने का अधिकार कानून लागू होना चाहिए ऐसा कहना था, क्योंकि यह प्रजातंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका है। उनका कहना था कि भारत को चलाने के लिए हमें कोई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है, यह देश हजारों वर्षों से बिना पार्टी के चलता रहा है और अगले हजार वर्षों तक चलता जाएगा। पहला यह है कि जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में उसको कभी भी वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास होगा, राइट टू आज हमने किसी को गोली बने से चुनकर भेज दिया, अभी हमें लगा कि ये सबसे अच्छा आदमी है, सबसे अच्छा आदमी है, आम आदमी ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, तो हमने भेज दिया और चला गया। वहां जाके अगर भ्रष्ट हुआ तो ये है समस्या। तो अभी दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चुनकर आने के बाद उनके यहाँ कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या होगा, वो संसद से उसे नहीं निकाल सकते, पार्टी से निकाल सकते हैं लेकिन पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं वो संसद में रह सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके आंखों के सामने, हम ये मजबूरी में नहीं रहे, हम पहले ही उनका एफिडेविट कराएंगे कि भाई आज को मैं ही मान रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर जरा भी बेईमानी की बात आई तो मुझे अपने आप को प्रूफ करना, मोबाइल को रिकॉल मोबाइल को रिजेक्ट, ये दोनों को हम हमारे यहाँ लागू करके
उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी संगठन की कि मैंने एक गलती की तो उसकी माफी नहीं होगी, उसे रिप्लेस ही होना चाहिए और उसे हम हटाएंगे, दूसरे को भेजेंगे क्योंकि दूसरा हमारे पास तैयार है। तो लोगों की मदद से संगठन ये काम करेगा, चेक एंड बैलेंसेस संगठन करेगा, तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम। राजीव जी ने नार्को टेस्ट का समर्थन और मांग भी किया था। राजीव जी का कहना था कि एक अंग्रेज टीवी में कॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि मैंने जो आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग की है, इससे किसी भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा और भारत सरकार उसी अंग्रेज के बनाए हुए कानून को आज़ादी के बाद आज भी चला रही है और इसी का परिणाम है कि आज भी 3 से 4 करोड़ केसेस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है और भारतवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। राजीव जी ने अपने व्याख्यानों में बताया, अंग्रेजों के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता अपनी पराकाष्ठा पर थी। इन गुरुकुलों में छात्रों से अधिक छात्राएं हुआ करती थी जिनके लिए अलग से अध्यापिकाएं थी और यह शिक्षा हर वर्ग के लिए समान और निःशुल्क हुआ करती थी। मैकॉले के अनुसार भारत को जीतने के लिए उसके चरित्र को तोड़ना सबसे आवश्यक है, जिसके लिए उसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजीव जी ने गाय की महानता बताई कि कैसे गाय हजारों गंभीर रोगों को ठीक करती है और अच्छी खेती और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है और गाय को बचाने के लिए हमें सामने आना होगा। राजीव जी ने कई जगहों में वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गौशाला बनाई थी। राजीव जी आयुर्वेद, होम्योपैथी, जैविक खेती, भारतीय कानून, इतिहास, भारतीय शास्त्र जैसे अनेकों विषयों में गहरा अध्ययन कर ज्ञान अर्जन किया था और उस ज्ञान को निःशुल्क लोगों तक अपने व्याख्यानों द्वारा पहुंचाते थे। राजीव जी ने वाग्भट जी नामक ऋषि के लिखे हुए स्वस्थ जीवन जीने के सूत्रों को लोगों को बताया, जिससे अनगिनत लोगों को आज तक लाभ पहुँच रहा है। श्री राजीव दीक्षित जी बताते थे, पहले भारत वर्ण व्यवस्था से चला करती थी और कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जाति के नाम पर तोड़ा। अंग्रेजों ने ही जानबूझकर भारतवासियों को जनरल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में विभाजित कर भारतवासियों के अंदर फूट डाल दी। श्री राजीव जी ने आर्य सत्य और सती प्रथा की सत्यता एवं उत्कृष्टता बताई, जिसे अब तक का भारतीय समाज अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने हमारे मनुस्मृति, वेद एवं शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके उनका गलत रूप प्रस्तुत करके हमारे भारतीय समाज को उसकी संस्कृति के प्रति दिग्भ्रमित किया। उनका कहना था, अंग्रेजों के बनाए हुए सारे 34,735 कानून को रद्द कर अपने देश और व्यवस्था के अनुसार से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के साथ बस एक धोखा है। भारत का संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों ने भारत को 1000 वर्ष गुलाम बनाने के लिए बनाया था, दुर्भाग्य से हमारे भारत के लोगों ने उसे ही भारत का संविधान बना दिया और बाकी के देशों से कुछ चुरा कर संविधान को और बड़ा बना दिया। आइए पूरी बात उनके मुख से सुनते हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया, लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद है जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने, इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए, माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां। 60 साल में 94 संशोधन, 60 years और 94 amendments, इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। भारत स्वाभिमान के लक्ष्य और प्रचार के लिए वे हरिद्वार से पूरे भारत की यात्रा करने लगे और लोगों को भारत स्वाभिमान का सदस्य होने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान जब वे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 26 नवंबर 2010 को गए, जहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके पश्चात जांजगीर जिले में तारीख 27 नवंबर 2010 को 2 विशाल जनसभाएं की। 28 नवंबर 2010 को विलासपुर की जनसभाओं को पूरा करते हुए वे 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी आचार्य दयासागर तथा अन्य पदाधिकारी साथ थे। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमेतरा में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला। राजीव दीक्षित जी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद का कार्यक्रम 4:30 बजे से जिला दुर्ग में निश्चित था, जिसको संबोधित करने के लिए वे दोपहर 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है, जो उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रभारी दयासागर और अन्य पदाधिकारियों का कहना था। गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में ही उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। दयासागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे गैस सीने में चढ़ गई, यदि शौचालय जाऊं तो शायद अच्छा महसूस करूं। फिर दयासागर ने तुरंत उन्हें दुर्ग के अपने आश्रम में ले गए, जहां पर राजीव जी शौचालय गए और जब कुछ देर बाद नहीं निकले तो दयासागर के पूछने पर उन्होंने दबी दबी आवाज में कहा कि हाँ बस निकल रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और जब काफी देर हो गई और पूछने पर अंदर से जवाब नहीं आया, तब दरवाजा खोला गया तो राजीव जी बेहोश होकर पसीने से लथपथ नीचे पड़े थे। उन्हें तुरंत उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दयासागर ने तुरंत राजीव जी को हॉस्पिटल चलने को कहा, पर राजीव जी ने मना कर दिया और कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उन्हें दवाइयां दी और फिर भी आराम न मिलने पर उन्हें तुरंत सेक्टर 9 भिलाई के इस्पात संयंत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस हॉस्पिटल में अच्छी कोई सुविधा नहीं होने के कारण फिर उन्हें अपोलो BSR हॉस्पिटल में ले जाया गया। राजीव जी एलोपैथी चिकित्सा के लिए मना करते रहे। उनका मनोबल इतना दृढ़ था कि वह हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि मैंने जीवन भर एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली है तो अब कैसे ले लूं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामदेव जी ने उस समय राजीव जी से फोन पर बात की थी और उन्हें ICU में भर्ती होने को कह रहे थे।
आखिर में वे आईसीयू में 5 डॉक्टरों के टीम के निरीक्षण में भर्ती कराए गए। दुर्ग की डॉक्टर रेखा मित्तल, जो कि बीएसटी की कॉरपोरेट मेंबर भी हैं, पल पल में उनके साथ गहन चिकित्सक कक्ष में उपस्थित थी। उनकी अवस्था और भी गंभीर होती गई और रात्रि 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बेमित्रा से रवाना होने के बाद की यह पूरी घटना छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का ऐसा कहना था, लेकिन असलियत में क्या हुआ यह तो इन लोगों के नार्को टेस्ट करने पर ही पता चल सकता है। राजीव जी के मृत्यु के अज्ञात कारण को और बिना पोस्टमार्टम कराए ही यह प्रचार किया गया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण होते हैं, स्वाभाविक दिल का दौरा हो या विष देने के कारण दिल का दौरा हो, यह केवल पोस्टमार्टम से ही पता लगाया जा सकता है और इसकी पुष्टि की जा सकती है। यह दुखद समाचार प्रसारित किया गया। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी को 12 से 12:30 बजे के करीब सूचना दी गई थी और वे 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। स्वामी जी निरंतर रात भर डॉक्टरों के संपर्क में थे। राजीव जी की मृत्यु की सूचना स्वामी रामदेव जी ने सुबह के सिकोहाबाद यूपी योग शिविर में दिया। आइए स्वामी जी का क्या कहना था देखें। जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी सपने में भी नहीं देखा था, वो मुझे आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो दो हाथ मेरे लाखों करोड़ों हाथों के बराबर थे, वो हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गए। भाई राजीव जी जो एक एक पल मेरे लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, जिनके तन में मन में हृदय में प्राणों में स्वदेश का प्रेम इतना प्रखर था कि अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था, 2 दशक से जो पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों के भीतर स्वाभिमान जगा रहे थे, पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और विगत लगभग 10 वर्षों से हृदय से आत्मा से मेरे साथ जुड़े और वर्तमान में वो भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव का दायित्व देख रहे थे। भारत स्वाभिमान किसी यात्रा के दौरान भिलाई में ही देश की भलाई के इस काम में देश में जो चारों ओर रोग भय भूख भ्रम भ्रांति भ्रष्टाचार की लूट और भ्रष्ट सत्ताओं और व्यवस्थाओं से जिनका हृदय हमेशा उद्वेलित रहता था, आंदोलित रहता था, जैसे एक सैनिक रणभूमि में युद्ध करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपना बलिदान और शहादत दे देता है, ऐसे ही भाई राजीव जी इस राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र निर्माण के इस अभियान में इस युद्ध क्षेत्र में इस कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने हृदय में भारत के स्वर्णिम अतीत को संजोए हुए और वर्तमान की पीड़ाओं के आक्रोश से आक्रोशित होकर के एक स्वर्णिम भारत का सपना अपने हृदय में संजो करके हर पल जीते थे। मैं कह रहा था जो मैं नहीं कहना चाहता था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, अपनी आहुति दे करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए। हम अपनी श्रद्धा आपूरित हृदय से मां भारती के उस लाल को, क्योंकि एक राजीव भाई जो ज्ञान के अथाह भंडार थे, जिनके भीतर असीम अनंत प्रतिभाएं थी, बहुत विराट जिनका व्यक्तित्व था, उनको हम सब यहां खड़े होकर के पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान इस अभियान की ओर से और करोड़ों करोड़ों देशभक्तों की ओर से अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जो उन्होंने स्वर्णिम भारत का सपना अपनी आंखों में संजोया था, हम सब मिलकर के उस सपने को बहुत जल्दी ही साकार करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर और जो हम सब के बहुत प्यारे थे उन भाई को जिनको हमने हमेशा के लिए खो दिया, उनके प्रति अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
फिर भिलाई से राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय लाया गया। यह सब प्रक्रिया 30 नवंबर 2010 सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और इसके पहले भिलाई थाने में सूचना दी गई। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने सुबह 11 बजे राजीव जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर पतंजलि योगपीठ विमान में ले आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए राजीव जी के पार्थिव शरीर को पतंजलि योगपीठ लाया गया। जहां उनके माता पिता उन्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। एक दिसंबर को राजीव जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। प्रदीप दीक्षित ने उन्हें मुखाग्नि राजीव जी के चाहने वाले लोगों का यह कहना था कि राजीव जी का पोस्टमार्टम अवश्य होना चाहिए था, परंतु जो किसी कारण नहीं हो पाया और यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पोस्टमार्टम से सच्चाई का उजागर हो सकता था और उनके हत्यारों का पता लगाया जा सकता था। अधिकतर लोगों का यह कहना था जो स्वयं आयुर्वेद को इतने अच्छे से जानते थे और जिनकी जीवन शैली आयुर्वेद आधारित थी, तो यह विश्वास पूर्ण नहीं है कि उनका इस प्रकार हृदयघात संभव था। यदि आपको स्मरण हो तो हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी भारत सरकार के अनुसार हृदयघात से हुई थी, परंतु अनेकों देशवासी और स्वयं राजीव जी के अनुसार उन्हें विष दिया गया था जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। ठीक इसी प्रकार की दुर्घटना राजीव जी के साथ भी घटित हुई, क्योंकि कुछ लोग जो हरिद्वार में अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए गए थे, उनका कहना था कि राजीव जी का शरीर भी काला पड़ गया था। इन दोनों दुर्घटनाओं में एक और समानता यह भी थी कि शास्त्री जी के मृत देह का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और राजीव जी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, तो यह अधूरी और गुमराह करने वाली बात क्यों कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है, और दिल का दौरा क्यों पड़ा यह क्यों नहीं बताया गया। सन 1999 से राइट टू रिकॉल एवं अन्य कानून के ड्राफ्ट का प्रचार कर रहे राहुल मेहता जी का कहना है कि और अंत में सातवां जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो दीक्षित जी की हत्या के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि दीक्षित जी की हत्या हुई 30 नवंबर 2010 को, और ठीक है कहने के लिए उनको भी हत्या को हार्ट अटैक की तरह खपा दिया जाता है। 28 नवंबर 2010 को उन्होंने माहौली में स्पीच दी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश में मुहिम चलाने वाले हैं स्वदेशी और राइट टू रिकॉल को लेकर और काले धन को वापस लाने के लिए। देखिए एक सितंबर अक्टूबर 2010 में एक माहौल स्पष्ट हो गया था कि देश में बहुत बहुत बड़ी मुहिम होने वाली है, और क्यों, क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था, 2G स्कैम, महंगाई, आतंकवाद के खिलाफ सरकार एकदम लाचार नहीं, ये सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है तो सबको फांसी नहीं दे रहे, बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो रहे थे। इसलिए ये स्पष्ट हो गया था कि बड़े पैमाने पे जन आंदोलन अब होने वाला है, तो दीक्षित जी चाहते थे कि जन आंदोलन हो राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे, काले धन के मुद्दे पे, स्वदेशी के मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या हल नहीं करनी थी, उनको टाइम पास में इंटरेस्ट था और लोकपाल के कानून में इंटरेस्ट था। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जिंदाल है, रिलायंस, जिंदाल और मल्टीनेशनल कंपनियां खास करके वॉलमार्ट वगैरह, उनको जनलोकपाल का कानून चाहिए। जनलोकपाल का कानून क्यों चाहिए कि फिलहाल उन्हें हजारों अफसरों को, मंत्रियों को, एमएलए को रिश्वत देनी पड़ती है। यदि जनलोकपाल सिस्टम देश में आ जाता है तो उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी और उनका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जनलोकपाल के आंदोलन को जिंदाल ने काफी सपोर्ट किया था, क्योंकि उसका काम आसान हो जाएगा। अभी इतने सारे देश में उसको पूरे देश में स्टील की फैक्ट्रियां डालनी है, कोयले की खाने चाहिए, लोहे की खाने,
चाहिए और बड़े जुर्मों से कलेक्टर, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर को रिश्वत देनी पड़ती है, और उसके बजाय यदि जन लोकपाल सिस्टम आता है तो 11 लोगों को रिश्वत दो और बाकी जो भी कलेक्टर टांग अड़ाता है जन लोकपाल को बोलो कि उसको करप्शन का केस डाल के उसको अरेस्ट करवा लो। दूसरा तरह का टाइम पास भी चाहते थे कि लोगों को टाइम पास करा दो, उनका गुस्सा निकल जाए, लोग थक जाए, उसके बाद वो जन आंदोलन का नाम लेना ही भूल जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि लोकपाल वाले लोगों ने दीक्षित जी की हत्या कराई, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दीक्षित जी की हत्या करा पाए, उन पर मैं ऐसा आरोप डाल भी नहीं रहा। लेकिन जो लोग, जो कॉरपोरेट लॉबीज, वॉलमार्ट है या तो बड़ी कंपनियां है, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, उनकी जो लॉबी है जो कि राइट टू रिकॉल पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, काले धन पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और ये स्वदेशी पे मूवमेंट नहीं चाहती थी और चाहती थी कि भाई जन लोकपाल पे ही मूवमेंट हो, जो लॉबियों ने इसका मर्डर कराया होगा, ये मेरा मानना है। मल्टीनेशनल कंपनीज के लूट की सच्चाई को बिना किसी के डर के राजीव दीक्षित जी लोगों को बताते थे, और राजीव दीक्षित जी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम कर दिया था, तो इसकी शंका भरपूर है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने ही राजीव दीक्षित जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवाई होगी। राजीव जी के मृत्यु से संबंधित कुछ गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, जैसे किसके आदेश से राजीव जी के अज्ञात मृत्यु के कारण को दिल का दौरा नाम से प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी दया सागर के अनुसार यदि दोपहर 2 बजे गाड़ी में बैठने के बाद उनको गैस की तकलीफ हुई, उस समय से लेकर उनके मृत्यु के समय तक उनके पास 12 घंटे का समय था, क्या उस 12 घंटे में एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जब राजीव जी का शरीर अस्वस्थ था तभी उनके परिवार वालों को तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया? जिस व्यक्ति का सेलफोन 24 घंटे चालू रहा करता था तो मृत्यु वाले दिन उनका सेलफोन दोपहर 2 बजे से बंद क्यों था? राजीव जी हमेशा अपने थैले में कुछ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयां रखा करते थे, लेकिन अंत में जो थैला उनके पास से मिला था उसमें से वह दवाइयां और जड़ी बूटियां गायब क्यों थी? हमारे अनुसार जिन्होंने भी षड्यंत्र करके राजीव जी की हत्या की है उन्होंने न केवल राजीव जी को मारा है बल्कि देश को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनेकों समस्याओं से मुक्त करने के सपने को भी मार दिया। राजीव जी भारत के लिए बहुमूल्य थे, उनके अंदर अनेकों गुण थे, इनमें से एक गुण यह भी था कि वह सभी साधारण लोगों के छोटे बड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया करते थे और प्रस्तावों पर विचार कर उनका प्रचार भी करते थे। राजीव जी अपने अंतिम समय तक इस बात पर जोर डालते रहे कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, अर्थात देश के आम नागरिक इस देश के मालिक हैं और सरकारी नेता और अधिकारी हमारे नौकर। जिस तरह यदि घर में नौकर मालिक की बात नहीं सुनता तो मालिक उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है, इसी तरह यदि कोई नेता या सरकारी अधिकारी नागरिकों की बात नहीं सुनता तो उसे बिना प्रतीक्षा किए हुए कान पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए। यह व्याख्यान उनके मृत्यु के 2 दिन पहले का था। आगे पीछे देखेंगे तो तुरंत इनको वापस बुला लेंगे, एक कानून के साथ इनको हम देखेंगे, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं, अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजे, ऐसी व्यवस्था करें, सबके सिर पे तलवार लटकती रहे काम करना, नहीं तो जाना क्यों वहां पर, कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है। तो ये तो करा लेंगे हम, कानून बना देंगे, पैसे आ जाएंगे। यह श्री राजीव जी का अंतिम व्याख्यान था। मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि ये चीनी भारत में कब से लोगों ने खाई, जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देश। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में अब लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया। वहां के लोग अब जो भी चीज खाते हैं ना वो शुगर फ्री होती है, शुगर फ्री माने जिसमें चीनी ना डाली गई, ऐसी चीज। यह श्री राजीव दीक्षित जी का अंतिम उपलब्ध वीडियो है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश? एक ही संदेश है कि अधिक से अधिक लोग प्राणायाम करें, आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करें और अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें।
अधिक से अधिक स्वीकार करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा, एक साल पहले की घटना है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं है। तो उसके बेटे का मुझे फोन आया, राजीव भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई, हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में, आप आएंगे? मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां के। तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या, मेरे पिताजी मरे हैं, कंडोलेंस मीटिंग है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप वो भी बोल दीजिए, इसमें झूठ क्या बोलना। मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा, मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिना कर्टसी के तो मैं नहीं मानता, और इतनी कर्टसी में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड पे भटक रही है, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है, तो आत्मा तो वहां भटकती है। और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति मिलेगी कैसे, इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता, तुम तुम्हारे रीत से कर लो अपना कार्यक्रम। तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या में ज्यादा है, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यहां भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए। इन भ्रष्ट राजकारणियों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है। अन्यथा ये देश सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, भविष्य में भी सोने की चिड़िया होने की क्षमता रखता है। अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और ये कंडला बंदर पर डुबो दिया जाए, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात शेयर करना चाहता हूं, हो सकता है आप कह नहीं पाते, मैं कह देता हूं। मैं पिछले 6 महीने से बहुत लोगों से यह सुन चुका हूं, लोग कहते राजीव भाई वो 13 दिसंबर को संसद पे हल्ला हुआ लेकिन एक भी साला मरा नहीं उसमें। छह महीने में कम से कम मुझे ये बात 1000 लोगों ने कही कि हमला तो हुआ 13 दिसंबर को लेकिन साला एक भी हरामखोर मरा नहीं। ये दोनों ही शब्द साला और हरामखोर, एक भी मर जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती, आत्मा को तसल्ली हो जाती। एक गांव में तो मुझे यहां तक कह दिया एक खेडूत ने, मैं अभी की घटना बताता हूं। मैं एक छोटे से गांव में गया, पोरबंदर के नजदीक एक गांव में गया था, वहां एक खेडूत ने जो बिना पढ़ा लिखा, कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं, लेकिन कभी कभी समाचार सुनता है टीवी पे या कभी कभी रेडियो में सुनता है, उसने मेरी सभा में भाषण सुनने के बाद कहा कि वो 13 दिसंबर को हमला हुआ था संसद में। मैंने कहा हाँ हुआ था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? तो उसने कहा वो बिल्डिंग टूट जाती तो मुझे थोड़ा दुख था, लेकिन ये अंदर बैठे हुए सब मर जाते तो मैं जरूर लड्डू बांट देता। मेरे काम पूछो आप किसी पुलिस कांस्टेबल से कि भैया तुम डंडा ठक 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 करके घूमते हो, क्यों डंडा है तुम्हारे हाथ? किसी और अधिकारी के हाथ में आपने डंडा देखा? पुलिस के ही अधिकारी के हाथ में डंडा? बड़ा ऑफिसर है तो छोटा रूल लेके चलेगा और छोटा अधिकारी है तो लंबा सा डंडा लेके चलेगा। क्यों? कोई भेड़ बकरियों को चराने जाना है क्या? कभी तो हंसी आती है मुझे, ये कॉमनवेल्थ खेल क्या है? ये वो खेल हैं जिनको दुनिया के 71 देश खेलते हैं और ये सारे 71 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो ये 71 देश अपनी गुलामी को याद करने के लिए हर 4 साल में ये खेल खेलते हैं। दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो गुलामी को याद करते हैं अपनी, और वो भी बहुत बड़े समारोह के साथ, भव्य समारोह करके गुलामी को याद करते। फिर मैंने उसी भवानीपट्टनम के आसपास के गांव में दौरा किया था, सर्वे किया था। तो एक गांव में मैं गया, वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं, और झोपड़े जैसे घर, कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं। 10 फीट 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा, उसी में 5-6 लोगों का परिवार रहता है, पता नहीं कैसे रहता है, मेरी कल्पना के बाहर। फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही। फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं, तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर्ता थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ।
तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं, आप उसके घर चलो। तो मैंने कहा चलो। तो हम गए सरपंच के घर। तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं, तो हम क्या कहते, खटखट तो कर नहीं सकते, कुछ सांकल थी नहीं, आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर भी कापड़ नहीं, जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके, 2 मीटर भी कापड़ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में। तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता। तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेट कर पत्नी बाहर आई थी, वही कापड़ पहन के पति बाहर आए। इतनी भयंकर गरीबी में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोग रहते हैं। और जो 11 कोटि परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है। मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है, तो किसी बहन को किसी माता को खड़े होना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है। कोई मुझसे पूछता है राजीव भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता है, वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं। मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितांत निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे आजादी के 50 वर्ष अपने। वो क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे माँ हम गरीब क्यों हैं। तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं, कुछ तो इनमें असाधारणपन है, चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है, और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं। इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वादा नहीं है, मुझे लगेगा कि मेरा जीवन काट। राजीव दीक्षित जी बिना मीडिया के सहायता के भी अपने बातों का गांव और शहरों में ऐसा प्रचार किया कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके सपनों को सच्चे दिल से पूरा करने में लगे हैं। यदि हम राजीव जी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं तो राजीव जी के सपनों का भारत बनाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।